हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे रजनीगंधा के प्लांट समर केयर पर। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी सिटी से बाहर था इसलिए। और आज मैं घर आया हूं तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। आज मेरे गार्डन में एक बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया है, जिसकी वजह से थोड़ी मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। तो हम हमारे वीडियो के ऊपर बात करते हैं। चार दिन बाद अब हमारे रजनीगंधा के प्लांट काफ़ी बड़े हो चुके हैं। हमने रजनीगंधा को ग्रो किया था बल्ब से और अब हमारे प्लांट में बड्स भी लग चुके हैं, जो आप देख सकते हैं ये। और कुछ ही दिनों में ये फ्लावर्स बन जाएंगे। पार्ट वन में हमने रजनीगंधा को बल्ब से ग्रो करना सीखा था। आज पार्ट टू में हम रजनीगंधा के प्लांट के समर केयर पर बात करेंगे। रजनीगंधा का साइंटिफिक नेम होता है पोलियंथस ट्यूबरोजा और इसका बिनोमियल नेम होता है अगेव अमिका। ये प्लांट सेंट्रल और साउथर्न मैक्सिको का नेटिव प्लांट है। रजनीगंधा पेरेनियल प्लांट है, यानी लंबे टाइम तक चलने वाला और पूरे 12 महीने सर्वाइव करने वाला प्लांट है ये। और ये बिलोंग करता है एस्परेज फैमिली से। रजनीगंधा के फ्लावर्स बहुत ही सुंदर आते हैं और उनमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। और इनके ट्यूबर्स होते हैं जो हम ग्रो करते हैं। रजनीगंधा के फ्लावर्स परफ्यूम बनाने में काम आते हैं और इस प्लांट के ओनली पत्ते ही ग्रो करते हैं। इनमें कोई ब्रांचेज नहीं आती, सिर्फ इसके पत्ते ही ग्रो करते हैं। और इसके पत्ते 1 से 1.5 फीट तक लंबाई में बढ़ जाते हैं और 1/2 इंच तक चौड़ाई में बढ़ते हैं। जब रजनीगंधा के प्लांट में फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो प्लांट के बीच में से एक स्टिक निकलती है। ये आप स्टिक देख सकते हैं, इसकी ये बीच में से निकली हुई है और मैंने इसको यहाँ से बांध रखा है, क्योंकि ये अपनी वेट की वजह से एक तरफ झुक रही है। ये देखिए, ये झुक रही है एक तरफ, तो मैंने इसको इस स्टिक की हेल्प से बांध दिया है। आप इस प्लांट को बड़े पॉट में और छोटे पॉट दोनों में लगा सकते हैं। अगर आप इसे बड़े पॉट में लगाएंगे तो कुछ ही दिनों में ज़्यादा बल्ब ग्रो होंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा बल्ब्स कलेक्ट कर सकते हैं रजनीगंधा के। और ये पिंक और वाइट में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में ज़्यादा खुशबू आए तो आप रजनीगंधा के ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं और अपने गार्डन को महका सकते हैं, क्योंकि इनके फ्लावर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने इन प्लांट्स को छोटे पॉट में लगा रखा है। ये 6 इंच के पॉट हैं और आप चाहें तो आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। छोटे पॉट में ये लग तो जाते हैं और इनमें फ्लावरिंग भी हो जाती है, लेकिन अगर आप इन्हें बड़े पॉट में लगाएंगे तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी और इनके जो बल्ब्स हैं वो मल्टीप्लाई ज़्यादा होंगे। ये बेनिफिट रहता है बड़े पॉट में। छोटे पॉट में अगर इसकी रूट बाउंड हो जाए तो आप इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन छोटे पॉट में नहीं रह सकता। रजनीगंधा के प्लांट को डेली वाटरिंग चाहिए, लेकिन ये ओवर वाटरिंग भी पसंद नहीं करता। आप देख लें, प्लांट की ऊपर वाली सोइल अगर आपको ड्राई फील हो तब आप इसमें पानी दे दें, नहीं तो आप पानी ना दें। अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो इनके जो बल्ब्स हैं वो गल जाएंगे। और इसके लिए आप मिट्टी है वो बालू रेत ही यूज़ करें, क्योंकि बालू रेत का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है। आप चिकनी मिट्टी को छोड़कर बाकी सारी रेत यूज़ कर सकते हैं रजनीगंधा के लिए। और आप इसमें एक पार्ट आप ले सकते हैं बालू रेत का और एक पार्ट ले सकते हैं कंपोस्ट का और थोड़ा सा पार्ट आप ले सकते हैं कोकोपीट का। आपको कोकोपीट ज़्यादा नहीं लेनी, कोकोपीट हम यूज़ करते हैं ओनली सीडलिंग्स में। ज़्यादा कोकोपीट अगर हम इसमें अगर यूज़ कर लेंगे तो इसके बल्ब गलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपको रजनीगंधा में ओवर वाटरिंग की और अंडर वाटरिंग दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो इसके बल्ब गल जाएंगे और अंडर वाटरिंग कर दी
और इसकी जो सॉइल है वो सूख गई तो इसके जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएंगे। जब तक सॉइल गीली रहेगी तब तक माइक्रो बैक्टीरिया रहते हैं, और जैसे ही सॉइल ड्राई हो जाती है वो भी किल हो जाते हैं। और कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो प्लांट के लिए फ्रेंडली होते हैं, जैसे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। जिब्रेलिन के संपर्क में जैसे ही प्लांट आता है वैसे ही वो स्पीड में ग्रो करता है, क्योंकि जिब्रेलिन हार्मोन होता है प्लांट के अंदर भी और फंगस में भी, दोनों में पाया जाता है। रजनीगंधा के प्लांट में ओनली लीव्स ही होती है, इसलिए आप इसे ग्रीनेट के नीचे या दूसरे प्लांट के बीच में छाया में रखें। रजनीगंधा के प्लांट को ह्यूमिडिटी और हीट दोनों चाहिए ग्रो होने के लिए। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो ये एक घंटे के अंदर बर्न हो जाएगा, क्योंकि इनकी लीव्स ही होती हैं और इनमें मॉइस्चर होता है बहुत थोड़ा, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता इनमें। और डायरेक्ट अगर धूप के संपर्क में आ गई है तो ये बर्न हो जाएंगे। ये ना तो आउटडोर प्लांट है और ना ही इंडोर प्लांट है, ये सेमी आउटडोर प्लांट है जो ग्रीन नेट के नीचे काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। अगर आप इसे इंडोर रख देंगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। रजनीगंधा के प्लांट को कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत रहती है, क्योंकि गर्मियों में गर्मी काफ़ी होती है और फर्टिलाइज़र की खुद की अपनी गर्मी होती है। इसलिए मैंने 104 दिन हो गई इनको ग्रो किए हुए, अभी तक एक बार भी मैंने फर्टिलाइज़र इनको नहीं दिया। और आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है और इनमें बर्ड्स भी लग रहे हैं। और अब मैं इनमें वर्मी कंपोस्ट दूंगा, और ये छोटे पॉट हैं इसलिए मैं इनमें 50-50 ग्राम के करीब एक एक मुट्ठी इनमें कंपोस्ट दे दूंगा, और जाइम के भी कुछ दाने मैं इसमें डाल दूंगा जिससे ये अपनी फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सके। और इसमें मैं 1/2 टी स्पून छोटा वाला फिटकरी का पाउडर और एप्सम सॉल्ट भी डालूंगा जिससे इसमें काफी अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो रजनीगंधा में आपको ख्याल रखना है पानी का, टेम्परेचर का और फर्टिलाइजर का और लाइट का, इतना आप ध्यान रख लेंगे तो ये काफी अच्छे से सर्वाइव करेगा और काफी अच्छी खुशबू देते हैं इनके फ्लावर्स। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।